उत्तराखंड में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। उत्तरकाशी में अभी भी 41 श्रमिक जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए जद्दोजहद लगातार की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान का आज 13वां दिन है। ऑपरेशन में अभी तक कामयाबी नहीं मिली। सुरंग को लेकर ड्रिलिंग के काम में दिक्कतें आ रही थी, मशीन के खराब होने से ड्रिलिंग का काम रुक गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि आज ड्रिलिंग का काम मुकम्मल करके टनल से बाहर निकाले जा सकते हैं 41 श्रमिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं। उन्होंने अंदर फंसे लोगों से बात भी की है और उन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें जल्द यहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में कल दिक्कत आई थी ड्रिलिंग मशीन खराब हो जाने की वजह से, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस ऑपरेशन को पूरे जोर शोर से एक बार फिर चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि आज यहां फंसे सभी 41 लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ऑपरेशन जिंदगी पर ये तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज बहुत मुमकिन है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं और हर लम्हे का अपडेट हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है, लोगों का हालचाल जाना है। अंदर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग महफूज हैं। कुछ दवाइयों की जरूरत महसूस हुई थी, दवाइयां पहुंचाई गई। अंदर खाना भी लगातार पहुंचाया जा रहा है फंसे हुए लोगों के लिए। ऑक्सीजन की भी पर्याप्त सुविधा की गई है अंदर फंसे श्रमिकों के लिए। आज 13वां दिन है उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का। वो काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली। राव शफात, तमाम अपडेट आपके जरिए लगातार पहुंचा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। फिलहाल क्या चल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए? राव शफात, कितना लंबा और है ये इंतजार? देखिए, रेस्क्यू तो चल ही रहा है मुमताज, और क्योंकि ऑगर मशीन से रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी बाधा आ रही थी। देर रात भी काम रोका गया था और जो एक्सपर्ट्स हैं, इसके मैकेनिक हैं, दिल्ली से बुलाए गए थे। 7 विशेषज्ञों की टीम थी ये मैकेनिक, तो इन्होंने इस मशीन को फिर से दुरुस्त किया, ठीक किया और दोबारा से फिर ड्रिलिंग का काम अब से कुछ ही देर पहले एक बार फिर से स्टार्ट किया। लेकिन क्योंकि एक पाइप का जो हिस्सा है थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, थोड़ा सा पिचका हुआ है, पैच हुआ है, तो उसको अब काटा जाएगा इस पाइप के हिस्से को। उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है और कुछ देर के बाद फिर से ये मशीन काम करना शुरू करेगी जब वो पाइप का हिस्सा हट जाएगा, क्योंकि दूसरा पाइप डालने के लिए, ड्रिल करने के लिए उसका जरूरी है कि उस हिस्से को काटा जाए, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। NDRF की टीमें मौजूद हैं, जितने भी एक्सपर्ट टीम है वो मौजूद है, इस पाइप को काटेंगे और ये मशीन अपना काम करना एक बार फिर से शुरू करेगी। उम्मीदें भी बरकरार है। अभी भी बात हुई है कुछ देर पहले, जो अधिकारी उन्होंने कर्मियों से बात की है, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे। हालांकि कुछ देर पहले हरिद्वार के लिए निकले हैं कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री, लेकिन वापस फिर से उत्तरकाशी के उसी घटनास्थल पर टनल पर पहुंचेंगे। शुक्रिया राव शफात, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे लगातार। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।